नमस्कार जय हिंद मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज दिनांक 26 अप्रैल बुधवार है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सबसे पहले यदि वर्तमान सेनोप्टिक फीचर्स पर नज़र डालें तो फिलहाल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग ईरान क्षेत्र के ऊपर में एक पश्चिमी विक्षोभ मिडल लेवल आ, में एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है वहीं साउथ वेस्ट राजस्थान और आसपास के इलाकों में यदि यहाँ देखें तो इस इलाकों में भी वायुमंडल के निचले स्तरों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इसके अलावा इस सिस्टम की वजह से आप देखेंगे तो मिडल वायुमंडल के जो मिडल और लोअर लेवल है इसमें सदरली विंड्स जो है वो लगातार अरब सागर की खाड़ी से मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जो है वो राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर फिलहाल प्रभावी है इसके अलावा यदि वर्तमान सेटेलाइट पिक्चर पर एक नज़र डालें तो फिलहाल साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा संभाग और वहीं उदयपुर संभाग के कुछ भागों में थंडरस्टॉम एक्टिविटी जारी है आप देख सकते हैं साउथ राजस्थान के जो हिस्से हैं विशेष रूप से जोधपुर संभाग उसके आसपास में जो लगने वाला अजमेर संभाग है वहीं उदयपुर और जो साउथ ईस्ट राजस्थान जो कोटा संभाग के जो इलाके हैं वहाँ पर फिलहाल थंडरस्टॉम एक्टिविटी जारी है और बादल भी आसमान में छाए हुए हैं वहीं यदि साउथ सॉरी नॉर्थ राजस्थान और आसपास के इलाकों में देखें तो फिलहाल मौसम जो है वो शुष्क है अब बात करेंगे आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की तो सबसे पहले यदि हम नजर डालें आ, बारिश के पूर्वानुमान की तो जैसा कि मैंने बताया कि फ़िलहाल इस सिस्टम का असर आज यानी 26 अप्रैल को दोपहर बाद या शाम के समय साउथ राजस्थान और आसपास के इलाकों में विशेष रूप से देखने को मिलेगा तो इसी दौरान जो थंडस्टोम एक्टिविटी है यानी मेघ गर्जन और कहीं कहीं तेज हवाओं का जो दौर है वो कोटा संभाग के इलाकों में दर्ज होगा वहीं उदयपुर आसपास का जो अजमेर संभाग के इलाके हैं वहीं जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में भी छुटपुट इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं थंडर एक्टिविटी होने की संभावना बनी रहेगी बारिश की यदि बात करें तो फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो थंडस्टॉम है उसके साथ में जो अमाउंट ऑफ रेन यदि आप यहाँ देखें तो लाइट कैटेगरी की रेनफॉल होगी यानी दो से पाँच एम एम कहीं कहीं दस एम एम तक की रेनफॉल रिकॉर्ड हो सकती है वहीं आप देखेंगे कि अट्ठाईस अप्रैल को यदि जैसे जैसे यह सिस्टम का असर राजस्थान के बाकी इलाकों में शुरू होगा तो उसका असर शेष भागों में भी यानी जयपुर और भरतपुर संभाग सहित वहीं वेस्ट राजस्थान के बीकानेर संभाग की तरफ भी देखने को मिलेगा बात करें दी 27 अप्रैल को तो आप देखेंगे कि जो आंधी बारिश का जो गतिविधियां हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है यानी कि देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों बाद एरियल कवरेज भी आंधी बारिश का बढ़ेगा और वहीं अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी यदि देखेंगे तो ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दो से पाँच या दस एम तक की रेनफॉल रिकॉर्ड हो सकती है थंडर स्टोम के दौरान कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड होने की संभावना है आप देखेंगे ज़्यादातर इलाकों में चाहे बीकानेर संभाग है चाहे जोधपुर संभाग है वहीं जयपुर संभाग वहीं अलवर और आसपास में भरतपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां 27 अप्रैल को जारी रहेगी 28 अप्रैल को भी आप देखेंगे कि सिस्टम का असर लगातार राजस्थान और आसपास के इलाकों में जारी रहेगा इसके अलावा 29 और 30 अप्रैल को भी आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो कुल मिलाकर फिलहाल जो वेदर कंडीशंस बनी हुई है उसके अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग वहीं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में थंडर के साथ कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म यानी भरी आंधी होने की भी संभावना है इस दौरान हवाओं की गति कहीं कहीं चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज हो सकती है अब बात करें यदि जिलावार चेतावनी की तो आप देखेंगे कि 26 अप्रैल को जैसे मैंने बताया कि केवल जो साउथ राजस्थान के भाग है जहां पे येलो कलर में वार्निंग दिखाई गई है इन इलाकों में मध्यम से तीव्र थंडरस्टॉम एक्टिविटी तेज हवाएं और बारिश का जो दौर है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है वहीं सत्ताईस अप्रैल को देखेंगे तो इस सिस्टम का असर विशेष रूप से जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में दोपहर बाद थंडर एक्टिविटी के रूप में रहेगा और वहीं बात करें यदि पूर्वी राजस्थान में भी तो जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में वहीं कोटा संभाग के इलाकों में भी आंधी बारिश

अब बात करें यदि वर्तमान सिस्टम के मद्देनज़र जो प्रेस विज्ञप्ति आज मौसम केंद्र जयपुर ने जारी की है आप देखेंगे कि सिस्टम के असर से आप ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी वहीं तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हो रहे हैं पहले से ही दो तीन डिग्री औसत से नीचे जारी चल रहे हैं इस सिस्टम की वजह से अगले चौबीस घंटों बाद तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी यानी राजस्थान में अभी अगले एक सप्ताह से दस दिनों तक हीटवेव की संभावना नहीं है तापमान औसत से नीचे दर्ज किए जाएंगे इसके अलावा बात करें यदि मई के प्रथम सप्ताह में तो आंधी बारिश का यह दौर मई के प्रथम सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है तो कुल मिलाकर आगामी सिस्टम के मद्देनज़र आज मौसम केंद्र जयपुर ने एक विशेष कृषि मौसम सलाह भी जारी की है किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से जो फसलें अभी भी खुले आसमान में रखी है उनको भीगने से बचाने के लिए पर्याप्त स्टेप्स उठाएं पर्याप्त कदम उठाएं इसके अलावा कृषि उपज मंडियों में भी भरपूर मात्रा में अनाज या जो भी झींसें खुले आसमान में रखी हैं उनको भी भीगने से बचाने के लिए आ, उपाय करें इसके अलावा थंडर स्टॉम मेघ गर्जन या लाइटनिंग यदि आपके आसपास हो रही है तो कृपया करके ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे बिल्कुल ना खड़े रहें जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है या तेज हवाओं से कोई नुकसान हो सकता है कृपया करके सुरक्षित स्थान पर रहें इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए कृपया मौसम केंद्र जयपुर से जुड़े रहें धन्यवाद